देवघर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय के सभागार में प्रेस वार्ता किया। उपायुक्त ने कहा कि इस बार का योग दिवस झारखंड के लिए खास होगा, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री रांची आ रहे हैं, जहां प्रभात तारा मैदान में योग दिवस का आयोजन किया गया है। उसी दिन देवघर के कमलकांत नरोने स्टेडियम में भी योगा कराया जाएगा, जिसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जिले के साथ साथ सभी प्रखंड में भी इसका आयोजन किया जाएगा। स्कूल से भी इस विहंगम योग दिवस में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा गया है। उपायुक्त ने कहा कि 3 दिनों तक प्रैक्टिस सेशन भी चलाया जाएगा। इस वर्ष झारखंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, खास है, क्योंकि इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं रांची आ रहे हैं और वहां पर प्रभात तारा मैदान में स्टेट लेवल का कार्यक्रम हो रहा है। उसी की तर्ज पर सभी जिलों में भी 21 जून को कार्यक्रम कराया जाना है। यहाँ पर जो प्रमुख कार्यक्रम है केकेएन स्टेडियम में कराया जाएगा। इसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। जिले के साथ साथ सभी प्रखंड मुख्यालयों में कराया जाएगा, सभी पंचायतों में कराया जाएगा। सभी प्राइवेट स्कूल्स से भी अनुरोध किया गया है, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि कृपया आप भी अपने यहाँ पर कार्यक्रम कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा आज रन फॉर योगा का कार्यक्रम कराया गया था ताकि इसको लेकर प्रचार प्रसार हो जाए। आज से फिर लगातार 3 दिन तक प्रैक्टिस सेशंस चलवाए जाएंगे और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित होने के लिए हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं। पतंजलि योगा पीठ के द्वारा सभी जगहों पर कार्यक्रम कराया जाएगा या फिर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हम सभी का यह लक्ष्य होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग करने के लिए प्रेरित करा पाएँ, एवं सिर्फ एक दिन ही नहीं, तमाम सभी दिन सुबह से लेकर शाम तक में किसी न किसी 10 से 15 मिनट आधे घंटे के लिए सभी लोग योगासन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। या किसी VIP का भी प्रोग्राम है क्या? नहीं, यहाँ पे किसी VIP का प्रोग्राम नहीं है।